क्या आप जानते हैं, स्पाइडरमैन फिल्म को बनाने की कोशिश 1980 से ही शुरू हो गई थी, पर कुछ रीजंस जैसे कि सुपर हीरो फिल्म का बजट ज्यादा होना, उस समय ऐसे जॉनर के फिल्म्स का फ्लॉप होना और राइटर्स प्रोड्यूसर्स के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस का होना भी एक बड़ी वजह थी। इसलिए इन 20 सालों में 4 स्टूडियोज ने इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया। एक पॉइंट पर टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। आखिरकार 1999 में सोनी पिक्चर्स और मार्वल ने मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया। सोनी पिक्चर्स चाहती थी कि हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर और एक्ट्रेस में से कोई इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, पर उस जमाने में सुपर हीरो फिल्म को लेकर कोई भी इतना सीरियस नहीं था। फिर हॉरर फिल्म इविल डेड फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर सैम रैमी इस प्रोजेक्ट से जुड़े। वो बचपन से ही स्पाइडरमैन कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन थे। इतना सब होने के बाद 2002 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसके सक्सेस ने सुपर हीरो फिल्म जॉनर को एक नई डायरेक्शन दी।